राइट नाउ अबाउट मिड ब्रेन. मिड ब्रेन मतलब ये ब्रेन का ये मिडल वाला पोर्शन, ये थैलेमस और हाइपोथैलेमस के पीछे थोड़ा सा नीचे वाले साइड में राइट होता है मिड ब्रेन. मिड ब्रेन इज द मिडल पार्ट ऑफ ब्रेन, आल्सो कॉल्ड मेसेंसेफला. मिड ब्रेन इज लोकेटेड इन बिटवीन थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस ऑफ फोर ब्रेन एंड पॉन्स ऑफ द हिंड ब्रेन. देखो तीनों के बीच में. दिस मिड ब्रेन इज लोकेटेड इन बिटवीन थैलेमस हाइपोथैलेमस ऑफ फोर ब्रेन एंड पॉन्स ऑफ द हिंड ब्रेन. ये मिड ब्रेन में से ऐसी एक डक्ट निकल रही है, ओपनिंग निकल रही है, ट्यूब जा रही है. दिस इज कॉल्ड सेरेब्रल एक्वेडक्ट. अ कैनाल ऑफ सेरेब्रल एक्वेडक्ट पासेस थ्रू मिड ब्रेन अप टू द स्पाइनल कॉर्ड. बाद में हम पढ़ेंगे इसका फंक्शन क्या है. मिड ब्रेन के अंदर डॉर्सल साइड में फोर राउंडेड बॉडीज होते हैं. ऑन द डॉर्सल साइड ऑफ मिड ब्रेन देर आर फोर राउंडेड बॉडीज कॉल्ड एज कॉर्पोरा क्वाड्रीजेमिना. कॉर्पोरा क्वाड्रीजेमिना प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन ऑडियो विजुअल रिफ्लेक्स. ऊपर वाले ये जो दो होते हैं सुपीरियर कॉलिक्युलाय, नीचे वाले दो इंफीरियर कॉलिक्युलाय. अदर वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया है, आपको यहाँ पे एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन फिर भी ध्यान रखो सुपीरियर कॉलिक्युलाय प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन विजुअल रिफ्लेक्स. व्हाई? इंफीरियर कॉलिक्युलाय प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन ऑडिटरी रिफ्लेक्स, स्पेशली टर्निंग और मूवमेंट ऑफ हेड ड्यूरिंग ऑडियो विजुअल रिफ्लेक्सेस. So this is about midbrain. Now hindbrain. Hindbrain ये तीन पार्ट से बनता है बच्चों. Pons, cerebellum and medulla. That is called medulla oblongata. Pons, this is the upper part of hindbrain. Pons is present in front of cerebellum, below the midbrain and above the medulla oblongata. ये pons में होते हैं बहुत सारे nerve fibers. This pons constitutes large number of nerve fibers that connect different parts of this brain with cerebellum and medulla oblongata. Cerebellum is also called smaller brain. Cerebellum is present behind the pons and medulla oblongata and below, yahan pe ek part hota hai brain ka, this is called occipital lobe. Below the occipital lobe of cerebrum. Cerebellum also shows large number of convolutions, many grooves and elevations to increase the surface area for large number of neurons. Cerebellum plays an important role in body balancing, equilibrium and posture. And इसके भी दो पार्ट होते हैं सेरेब्रम के जैसे, कॉर्टेक्स एंड मेडुला. आउटर रीजन ऑफ द सेरेब्रम इज कॉल्ड सेरेबेलर कॉर्टेक्स एंड इनर डीप रीजन, ये ट्री लाइक अपीयरेंस दिख रहा है आड़ा ट्री, दिस इज कॉल्ड वर्मिस और आर्बोर वाइटे. आर्बोर वाइटे और वर्मिस. सेरेब्रम इज द ओनली सॉलिड पार्ट. पूरा ब्रेन में कैविटी कैविटीज है, सेरेब्रम में कैविटी नहीं है, ध्यान में रखना है. सेरेब्रम इज कंप्लीटली सॉलिड पोर्शन ऑफ द ब्रेन. प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन बॉडी बैलेंसिंग, इक्विलिब्रियम एंड पोस्चर एंड मेनी वॉलंटरी एक्शंस. Right, now medulla oblongata. Medulla oblongata is the last part of this brain. It continues into spinal cord. Togetherly, midbrain, pons and medulla oblongata forms the major part of brain stem. Brain stem ka major part banta hai. Medulla oblongata mein bahut sare alag alag nuclei hote hain bachcho. Medulla oblongata consists various types of nuclei called vital and non-vital nuclei. Vital मतलब very very important vital functions, vital involuntary functions are controlled from the medulla oblongata of the brain. It control respiration, respiratory center, यहाँ पर होता medulla oblongata में. Also contain gastric center. It control respiration. It has a respiratory center, cardiovascular center, and gastric secretion center. Medulla oblongata. That's why slightest injury to medulla oblongata causes sudden death. Medulla oblongata को थोड़ा भी touch होता है तो
इंसान जगह पे मर जाता है बिकॉज मिडिल ऑफ लॉकेटा कंट्रोल दिस वाइटल इनवॉलंटरी एक्टिविटीज लाइक रेस्पायरेशन, रेस्पायरेटरी सेंटर, कार्डियोवास्कुलर सेंटर, डाइजेस्टिव सिक्रीशन सेंटर, ये पूरे होते हैं मिडिल ऑफ लॉकेटा में. इट ऑल्सो कंटेन इनवॉलंटरी एक्टिविटीज like sneezing, coughing, yawning, hiccuping are also controlled from the medulla oblongata of the brain. And the medulla oblongata continue into spinal cord. So this is the entire information about human brain. Right? तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको स्पेशल असाइनमेंट है, दो तीन अलग अलग डायग्राम्स आपको स्केच करना है, एक पूरा सुपरफिशियल साइड व्यू ऑफ ब्रेन जो आपको एनसीईआरटी की बुक में दिया नहीं है, स्टेट बोर्ड की बुक में हो सकता है. दूसरा, ये एनसीईआरटी की बुक वाली डायग्राम जिसके ऊपर कम से कम 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के इतना मटेरियल मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया है. तीसरा, ये डायग्राम आपको दी नहीं है फिर भी आप आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए स्केच कर सकते हो. और ये पूरे पार्ट्स आप अलग अलग करके लर्न कर सकते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन. इसके कम से कम मिनिमम 300 पॉइंट्स बनाओ. ये फोर ब्रेन के ऊपर 150 पॉइंट्स, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन और बाकी जो रिमेनिंग पार्ट है उसके ऊपर अबाउट 150 पॉइंट्स आपको बनाना है. सो दिस इज अबाउट एंटायर स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन ब्रेन. आपको अगर ये पूरा वीडियो समझ में आता है, कंसेप्ट क्लियर होता है, तो प्लीज इसको लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना है चैनल को. थैंक यू.